तो क्या हालचाल भाई लोग, आज हम सीखेंगे ऐसी इस ब्रश के बारे में। स्केचबुक में आपको बहुत यूट्यूबर ऐसे इस ब्रश दिखाए गए, 3 4 ब्रश यूज करके दिखाएंगे जिसमें आपको अलग अलग तरीके से सेटिंग करनी होती है, ये सब करना होता है। मैं सिर्फ आपको एक ही ब्रश दिखाऊंगा जिससे आप सारा एडिटिंग कर सकते हो, आपके दूसरे ब्रश लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर लेते हैं फेस को गोरा करने के लिए। तो यहाँ से एक लेयर हम लेंगे और इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम सॉफ्ट लाइट। यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए सॉफ्ट लाइट। याद रखना हम आज एक ही ब्रश सिलेक्ट करेंगे, दूसरा सिलेक्ट भी नहीं करेंगे। तो ये ब्रश है ये वाला, इस ब्रश को हम सिलेक्ट करेंगे। सारे ब्रश के काम स्किन स्मूथ, फेस वाइट, हेयर एडिटिंग सब कुछ इसी से करेंगे। सिंथेटिक फ्लैट ब्रश 3 आप देख सकते हो। सबसे पहले फेस गोरा करने के लिए हम इसका ब्रश टाइप चेंज करेंगे, समझे, तो हम इसको करेंगे स्टैंडर्ड। ये सेटिंग आपको कौन बताएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसको कर लिया डन। अब जाते हैं कलर सॉलिड टूल्स पे। यहाँ से हमें कलर चूज करना है ये वाला, इसको करेंगे चूज, इसको कर लिया डन। अब इसको फेस पर पेंट कर देते हैं, ओपेसिटी 100 कर देनी है। आप देख सकते हो कि फेस गोरा हो चुका है, पर ये बहुत ही येलो दिख रहा है। तो हम इसको जाएंगे इस वाले लेयर में, यहाँ से जाएंगे हम HSL, इस पर क्लिक करके क्लिक, यहाँ से इसकी सिचुएशन करेंगे हम माइनस। कलर को कम किया, अब लुमिनस को बढ़ाते हैं। हमने लुमिनस को बढ़ा दिया, कर लिया इतना और कर लिया यहाँ से डन। आप देख सकते हो कि फेस वाइट हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप है लिप्स की बारी। तो यहाँ से हम लिप्स को सिलेक्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा लेयर लेंगे, इसका ब्लेंडिंग मोड रखेंगे हम सॉफ्ट लाइट। अब जाते हैं लिप्स के नज़दीक एकदम, फिर यहाँ से आप देख सकते हो इस वाले टूल को हमें सिलेक्ट करना है और फिर हमें होंठ पर रखना है। यहाँ पर जो जहाँ का एरिया बहुत डार्क है यहाँ पर कर दिया। अब ये यहाँ पर इस पर पेंट कर देंगे। अब आप देख सकते हो कि मैंने लिप्स को कलर कर दिया है। अब इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हो HSL में जाके। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, देखो मैंने पिंक कर दिया। अब इसको अच्छे से डार्क लाइट कुछ भी रख सकते हो अपने हिसाब से। इसको कर लेते डन। अब इन दोनों लेयर को कर लेंगे हम मर्ज। यहाँ से मर्ज ऑल पर क्लिक किया और मर्ज कर लिया। अब हमें स्किन को स्मूथ करना है, तो सबसे पहले इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे। तो यहाँ से हमने डुप्लीकेट लेयर सिलेक्ट की। अब फेस पर स्किन स्मूथ करने के लिए हमें इसका ब्रश टाइप चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड में जाएगी और यहाँ से अब हमें चूज़ करना है स्मच को। तो मैंने स्मच को किया। अब देख लीजिए ये सेटिंग मैंने पहले से रखी थी, तो हमें यही सेटिंग रखनी है, स्ट्रेंथ 29 और फ्लो 4%। अगर आप स्ट्रेंथ 25 कर देते जिससे अच्छे से हो सके। अब फेस पर अप्लाई कर देते हैं इसको।
अब आप देख सकते हो कि फेस हो चुका है, मगर वो पूरा फिनिशिंग आ चुका है, पर नकली लग रहा है फोटो। तो हम इसको ले जाएंगे लाइटरूम में, यहाँ से ले जाएंगे लाइटरूम में, और इसको पूरा वाल लाइटरूम में। तो यहाँ से मैंने पहले ही फ़ोटो बना के रखी थी, आप देख सकते हो। इसको मैं कर लूँगा कॉपी, अगर आप कमेंट में लिखोगे तो मैं इसकी DNG आपको प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ से क्लिक एंड पेस्ट, आप देख सकते हो कि फ़ोटो एकदम HD हो गई है और नॉइस फ्री एकदम देख सकते हैं आप। आप भी ऐसे फोटो एडिट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।